नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Realme X3 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन हाइड कैसे कर सकते हैं होम स्क्रीन से। तो ऐप हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पे सेट क्लिक करना है और सेट पासवर्ड पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पैटर्न कोड पे क्लिक कर लूँगी और अपनी पसंद का एक पैटर्न आपको ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेट करने के लिए बोला जा रहा है। ये इस पर्पज़ के लिए होता है ताकि आप यहाँ पे ऐप लॉक वगैरह जब भूल जाते हैं तो वहाँ पे आप रिकवर कर सकें। यहाँ से आप क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं इसका क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आप रिकवरी के लिए ईमेल एड्रेस भी सेट कर सकते हैं और हे टैप अकाउंट भी यहाँ से आप ऑन करके सेट कर सकते हैं। इसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको रेकमेंड करता है 2-3 ऐप, तो यहाँ पे आप इसको अनचेक करके आगे बढ़ जाएंगे इस टाइप से। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको हाइड करनी है, पहले उसे लॉक करने के लिए आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे मुझे फेसबुक हाइड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड होम स्क्रीन आइकन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। और सेट एक्सेस नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है ताकि आप इसको यूज़ कर सकें जब हाइड करने के बाद, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको हैशटैग लगा के 16 डिजिट मैक्सिमम कोड सेट कर सकते हैं और मिनिमम आप 4 डिजिट का कर सकते हैं, तो मैं 4 डिजिट का कर लूँगी यहाँ पे। और इसके बाद दोबारा हैशटैग लगाना है तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके बाद डन पे क्लिक कर देना है और आप वेट कर लेंगे और इसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे रिसेंट टास्क में से भी आपको हटाना है तो यहाँ से आप बंद कर देंगे, और इसका नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख लेंगे और इसके बाद आप बैक कर देंगे। और भी एप्लीकेशन यहाँ से आपको हाइड करनी है, तो जैसे गैलरी हाइड करनी है तो गैलरी पे क्लिक करके इसे ऑन कर देंगे और इन दोनों को ऑन कर देंगे। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ना तो गैलरी देखने को मिल रही है और ना ही आपका फेसबुक। तो यहाँ पे आपको हाइड एप्लीकेशन चलाने के लिए डायल पैड पे चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपने एक्सेस कोड सेट कर रखा था वो डाल देंगे, #1234#। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिडन ऐप्स आपके आ रखे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं यहीं पे, और बैक कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।